IPv4 एड्रेसिंग यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग में कुछ स्पेशल एड्रेसेस हैं अगर हम क्लासफुल एड्रेसिंग के बारे में बात करते हैं तो कुछ एड्रेसेस हैं जो स्पेशल हैं किसी काम के लिए वो फिक्स किए गए हैं और वो क्या क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे स्पेशल ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस आई फोर में क्योंकि हम जानते हैं कि आई जो है वो बत्तीस बिट एड्रेसिंग है बत्तीस बिट का एड्रेसिंग का मतलब दो की बात दो की घात बत्तीस टू की पावर थर्टी टू और ये शुरू कहाँ से होता है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो डॉटेड डेसिमल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और ये फाइनल कहाँ तक जाएगा क्योंकि हर एक ऑक्टेट आपका आठ बिट का है तो आठ बिट होगा तो कहाँ तक पहुँचेगा ये दो क्योंकि आठ बिट मतलब होता है टू की पावर एट ये हो गया टू तो ज़ीरो से शुरू करेंगे तो आपका टू फिफ्टी फाइव तक पहुंचेगा तो ज़ीरो से लेकर टू फिफ्टी फ़ाइव ये भी आपका डॉट टू फिफ्टी फ़ाइव ये टू फिफ्टी फाइव और ये दो सौ पचपन टू फिफ्टी फाइव तो मिनिमम नंबर ये पॉसिबल है मैक्सिमम नंबर ये पॉसिबल है ये एड्रेस और ये एड्रेस शुरुआती और आखिरी है लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिसमें हम सारे ज़ीरोज़ हैं उनको कुछ काम देते हैं उन उसके लिए कुछ कहते हैं कि भाई सारे वंस हो तो ये अलग काम करेंगे कई ऐसे एड्रेस हैं जो लूप बैक एड्रेस है ऐसे एड्रेस जिनको हम प्राइवेट एड्रेस की तरह यूज करते हैं और ऐसे एड्रेस जिनको हम स्पेशली मल्टी के लिए यूज करते हैं तो एक एक को हम देखने वाले हैं आई वी फोर एड्रेसिंग में क्योंकि ये एड्रेसिंग जो है ये डॉटेड डेसिमल होती है और ये 32 बिट की है और 32 बिट को अगर हम लिखें यानी कि अगर आप आई लिखें तो 8 बिट डॉट आर्ट बिट डॉट आर्ट बिट डॉट आर्ट बिट ऐसे होता है तो सबसे कम टू की पावर थर्टी टू पॉसिबल एड्रेसेस हो सकते हैं आई फोर में तो सबसे छोटा क्या होगा जीरो 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 सारे सबसे बड़ा क्या होगा टू फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव तो ये जो सबसे पहला एड्रेस है जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो ये जो एड्रेस होता है इसको हम ऑल जीरो एड्रेस कहते हैं लेकिन ये फिक्स्ड है और ये आपका रिजर्वड है किस काम के लिए रिजर्व है अब बहुत ध्यान से सुनिएगा अगर मैंने लिखा इस तरीके से जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो सी आई डी आर में बत्तीस बत्तीस का मतलब है कि सारे पूरे के पूरे बत्तीस जो है वो नेटवर्क के लिए यूज होंगे तो आईपी वी एड्रेसिंग स्पेस जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो से शुरू होता है ये पहला एड्रेस है तो अगर कोई होस्ट मान लीजिए कोई एक कंप्यूटर है है ना और ये इसके पास ये एड्रेस है अब शुरुआत कर रहा है वो अभी टीसीपीआईपी से कनेक्ट नहीं हुआ है तो टीसीपीआईपी से कनेक्ट होने के लिए या ये कहे कि इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए क्या करेगा ये जो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट यानी कि ये जो होस्ट है ये एक एड्रेस भेजेगा जो जिसमें केवल जीरो 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 होंगे और कुछ नहीं होगा और ये कहा जाएगा या तो बूट स्ट्रैप सर्वर को या डीएचसीपी सर्वर को अब डीएचसी पी देखिए डीएचसीपी जो बना है वो बूट बूट स्ट्रैप उसका बेस ही है डीएच सी का मतलब ये होता है बेसिकली डायनेमिक होता है यह और आपको ये आई देगा DHCP एच बूट सर्वर स्ट्रैप का काम आपको आई प्रोवाइड करना है होस्ट को तो क्योंकि जैसे ही ये पैकेट जाएगा और वो देखेंगे कि अरे इसमें तो जीरो जो सोर्स एड्रेस लिखा हुआ है मान लीजिए लीजिएगा इस तरीके से है और आपके पास एक सोर्स एड्रेस है यहाँ और एक डेस्टिनेशन एड्रेस है ये सोर्स एड्रेस है ये आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है तो जो सोर्स एड्रेस है अगर वो 0.0.0.0 हो मतलब कोई भी ऐसा पैकेट आ रहा है जो डी सर्वर के पास डीएचसी सर्वर का, का काम केवल ये होता है कि वो डायनेमिकली आपको आई असाइन करता है और अगर सोर्स एड्रेस यहां पर जीरो है और डेस्टिनेशन एड्रेस आपका टू डॉट टू फिफ्टी है अगर ये दोनों मिलते हैं डीएचसी को तो डीएचसी क्या करेगा इस होस्ट को होस्ट कंप्यूटर हो सकता है होस्ट टैबलेट हो सकता है होस्ट कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती है तो अगर ये इसको कप, इंटरनेट से कनेक्ट होना है या फिर नेटवर्क से कनेक्ट होना है तो डीएचसीपी ये देखेगा कि जो पैकेट आ रहा है उसमें जीरो पॉइंट ये सोर्स एड्रेस है और ये डेस्टिनेशन एड्रेस है तो वो इस, इसको आईपी एड्रेस असाइन कर देगा तो ऑल जीरो एड्रेस इसके लिए रिजर्व है आईपी एड्रेसिंग में आईपी एड्रेसिंग में आपका बत्तीस बिट का एड्रेस होता है और जो सबसे कम एड्रेस होता है जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो मतलब डॉटेड डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है सबसे हाईएस्ट क्या होगा टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव क्योंकि ये जो एक ऑक्टेट है ये आठ बिट का होता है इसका मतलब ये जीरो से लेकर मिनिमम जीरो है मैक्सिमम दो सौ पचपन है लेकिन कई ऐसे एड्रेसेस हैं जो आई पी वी फोर में फिक्सडी रिजर्व है तो अगर एक ऐसा एड्रेस बनता है 255 यानी ये, ये बेसिकली 255 क्या है वन 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 फिर ये 255 255 255 अगर ये है यानी कि वन 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 अगर ये एड्रेस है ये बेसिकली मैंने डेसिमल में लिखा है डॉटेड डेसिमल इसको मैंने बारेरी में कन्वर्ट किया है तो ये स्लैश बत्तीस का मतलब होता है सीआईडीआर में कि सारे के सारे जितने भी यहां पर आपको मिल रहे हैं सारे जितने भी आपके ऑक्टेट में हर एक बिठे चाहे कोई भी एमएसबी एल एस बी जो भी ले लीजिए वो सारे के सारे वन है तो यह आईपीवी फोर एड्रेसिंग का लास्ट एड्रेस स्पेस है क्यों मैंने आपको बताया कि जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो से शुरू होता है आखिर टू फिफ्टी फाइव हो सकता है तो आखिरी तो यही हो सकता है ये फर्स्ट एड्रेस हो सकता है आईपीवी फोर का ये लास्ट एड्रेस हो सकता है है ना तो ये जो लास्ट एड्रेस है इसको हम कहते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस अब आप जानेंगे कि इसको हम लिमिटेड क्यों कह रहे हैं और ब्रॉडकास्ट क्यों कह रहे हैं जब ये कोई भी होस्ट या कंप्यूटर कोई भी होस्ट कंप्यूटर अगर ये एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब अगर आपका पैकेट है पैकेट में आपका सोर्स एड्रेस भी होगा डेस्टिनेशन एड्रेस भी होगा अगर डेस्टिनेशन एड्रेस इसका टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव है यानी कि ऑल वंस है तो इसका मतलब यह है कि मैं जिस भी नेटवर्क में हूं जो पैकेट आ रहा है इसको आपको ब्रॉडकास्ट करना है अच्छा ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है ब्रॉडकास्ट का मतलब अगर एक रूम में आप बैठे हैं और यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं आप बोलेंगे हेलो कौन है टॉम तो आपने सबको बोला ना तो ये ब्रॉडकास्ट कर दिया आपने सबको जितने भी रिसिपेंट है सबको पैकेट भेजना या मैसेज भेजना उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग है। तो टू ये लास्ट में अगर ये एड्रेस आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है तो इसका मतलब ये है कि जब भी राउटर को पता लगेगा अरे मेरे पास तो ये वाला पैकेट आया है इस कंप्यूटर से ये वाला पैकेट आया देखिए ये कंप्यूटर है इसने डेस्टिनेशन एड्रेस भेजा टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव डॉ टू फिफ्टी फाइव डॉट टू फिफ्टी फाइव अभी डेस्टिनेशन एड्रेस के नाम से आया है तो वो क्या करेगा कि इसको बाहर भेजने की जगह वो यहीं पे इसको इनको 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 भेज देगा यानी कि जो एक लोकल नेटवर्क बन रहा है लॉजिकल नेटवर्क एक लोकल नेटवर्क बन रहा है उसमें सबको ये ये जो जो भी मैसेज इस पैकेट में आया होगा वो भेज देगा अब इसको लिमिटेड क्यों देखिए ब्रॉडकास्ट तो आप समझ गए क्यों कह रहे हैं लिमिटेड इसके लिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो नेटवर्क है इसी में ये पैकेट लिमिटेड रहेगा ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये बाहर नहीं जाएगा कहीं भी ब्रॉडकास्टिंग तो मतलब यह है जितने भी कनेक्टेड हो नेटवर्क से उसको चला जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है एक नेटवर्क के अंदर जितने भी आपके एक लॉजिकल नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर है या कंप्यूटिंग डिवाइस है या होस्ट है उन पे जाएगा ये सारा का सारा कंटेंट अगर ये ब्रॉडकास्ट है और डेस्टिनेशन एड्रेस ये है तो लूप बैक एड्रेस अब लूप बैक एड्रेस क्या होगा जी ये एड्रेस वन ये आपने मुझे पूरा यकीन है कि आपने पिंग ज़रूर किया होगा जब आप कमांड प्रॉन्ट पे आए होंगे और आपने ज़रूर पिंग किया होगा ये वाला नंबर ये नंबर क्यों पिंग किया आपने या फिर आप देखेंगे आपके वेब ब्राउजर पे जाइए और आप ये टाइप करिए ठीक है जी तब भी आपको कुछ मिलेगा तो क्या मिल रहा है इससे हो क्या रहा है पहले मैं आपको बताता हूँ इस नंबर का की का एक्चुअली एम क्या है इसके पीछे थ्योरी क्या है आईपी एड्रेसिंग स्कीम जो होती है वो 32 बिट की होती है डॉटेड डेसिमल फॉर्म में होती है यानी कि पहले 8 बिट फिर 8 बिट फिर 8 बिट फिर 8 बिट और ये सारे 8 बिट जो होंगे वो डेसिमल में होंगे डेसिमल फॉर्म में होंगे तो आपका 0.0.0.0. पहला एड्रेस हो गया 255 ऐसे करके लास्ट टू इससे ज्यादा नहीं हो सकते ये सबसे छोटा होगा ये सबसे आखिरी होगा क्लियर हो गया अब इसके बीच में आता है वन देखिए क्लासफुल एड्रेसिंग में क्लास ए जो एड्रेस होगा और क्लास बी एड्रेस जो होगा क्लास सी एड्रेस होगा तो क्लास ए एड्रेस जो है देखिए आप यहां पर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि क्लास ए है तो कहां से शुरू होगा क्लास बी है तो कहां से शुरू होगा तो 127 जो है देखिए एक से लेकर 127 तक जो होता है वो क्लास ए एड्रेसिंग होती है ठीक है जी 127 के बाद वो और जाता है आपके 192 तक 191 तक वो क्लास बी हो गई 192 से आगे आपका टू ट्वेंटी तक क्लास सी हो गया ऐसे बढ़ता है तो ये क्लास है एड्रेसिंग में जो वन से लेकर वन तक ही आप ये एड्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं 127 वाला अगर कोई कोई भी ऐसा ऑक्टेट हो मतलब कोई भी ऐसा आईपी हो जिसका पहला नंबर 127 है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि 127 पॉइंट आगे जैसे 000 लगा दूं मैं डॉट डॉट जीरो यह आपका लूपबैक एड्रेस होता है अब लूपबैक एड्रेस है देखिए पूरा का पूरा आपके पास बत्ती बीस बत्तीस बिट एड्रेसिंग है आठ आपने यूज़ कर ये जो आठ है ये वाले आपने यूज़ कर लिए तो फिक्स कर लिए इसको आप यूज नहीं इसको और भी यूज़ नहीं कर सकते यानी कि ये आपने फिक्स कर लिया तो कितना हुआ आठ बिट माइनस आठ कर दीजिए तो आपके पास चौबीस बिट बचते हैं एड्र, जो एड्रेसिंग के लिए तो टू की पावर ट्वेंटी फोर एड्रेसिंग हो सकती है लेकिन आपको जानना जान के बड़ा दुख होगा कि जितने इतना बड़ा नंबर मतलब इतने ज़्यादा एड्रेसेस जो हैं वो बिल्कुल बेकार जाते हैं क्योंकि जो 127 वाला जो ऑक्टेट फिक्स कर दिया और बाकी आगे जितने भी आते हैं जैसे मिनिमम ये हो सकता है लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं 127.0.0.1 तो पिंग के आगे आप बिल्कुल यही लिखते हैं ताकि आप लूप बैक कर सकें तो जब ये यही यूज़ होता है बाकी कोई यूज़ नहीं होता तो ये सारे वेस्ट हो जाते हैं अब इसका मतलब क्या है क्लासफुल एड्रेसिंग में जैसे मैंने बताया कि क्लास ए एड्रेसिंग में आता है ये देखिए जो भी वन पॉइंट से शुरू होगा इन सबको आप मानेंगे कि ये लूप बैक एड्रेस है अब लूपैक एड्रेस है क्या लूपैक एड्रेस का मतलब ये है कि मैं हूं मैं ही बोलूंगा और ये मेरे ही कान में चलाएगा मैं जो बोलूंगा वो ही मेरे कान में चला आएगा इसका मतलब ये है कि जो लूप बैक एड्रेस होता है इसको केवल आप डेस्टिनेशन एड्रेस मान सकते हैं पैकेट का इसका मतलब यह है कि पैकेट जिसमें लूप बैक एड्रेस होगा वो ये कंप्यूटर का जो मशीन है उससे निकलेगा बाहर कहीं नहीं जाएगा इसी के नेटवर्क इंटरफेस के कार्ड पे जाएगा एनआईसी पे, और वापस आ जाएगा इसका मतलब अगर आपको केवल ये, केवल इस मशीन के कहीं भी नहीं जाएगा टीसीपीआईपी स्टैक पे पर जाएगा ही नहीं वो वो टी सी स्टैक जो है आपके कंप्यूटर का चेक करेगा कि आपका टीसी पी स्टैक बनता है कि नहीं बनता है इसका मतलब यह है कि अगर आपका नेटवर्क कार्ड नेट एनआईसी ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा वो आप इससे पता कर सकते हैं मैं थोड़ा सा इसको और समझाने की कोशिश करूंगा आपको देखिए आपका यह कंप्यूटर है ठीक है साहब जब आपने इसका डेस्टिनेशन दे दिया वन या जैसा भी आप देना चाहें वो क्या करेगा कि आपके कंप्यूटर का जो टीसीपीआई स्टैक है वहां से इसको शुरू करेगा और वापस ला के आप ही के कंप्यूटर के एप्लीकेशन लेयर पे शुरू करेगा और वहीं पे ख़त्म कर देगा इसका मतलब आपके कंप्यूटर से ना तो पैकेट बाहर जा रहा है ना ही अंदर आ रहा है वो यहीं से शुरू होगा और आपको वापस आ जाएगा तो जब आप पिंग पिंग करके ये करते हैं ना तो आपको ये बता देगा पैकेट सेंड चार पैकेट का नाम दिया जाता है वो और वो बता देगा इतने टाइम में आ गया इसका मतलब ये है कि आपका एन सही है पब्लिक एड्रेस और प्राइवेट एड्रेस ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा तब आपको मैं बताता हूं कि जो आई पी वी फोर की जो एड्रेसिंग स्कीम है वो आपकी बत्तीस बिट की डॉटेड डेसिमल स्कीम है जो आप यहां भी देख रहे हैं ये आपके डेसिमल नंबर्स हैं और सेपरेटेड बाय डॉट है ठीक है साहब अब आप बोलेंगे पब्लिक क्या है प्राइवेट क्या है अब आपका मान लीजिए ये आपका एक कंपनी है तो इस कंपनी में जितने भी कंप्यूटर होंगे उनको अगर आई, आपको आई पी देना है तो आप क्या देंगे आप उनको देंगे प्राइवेट आई पी क्या देंगे प्राइवेट आई पी अब आप मान लीजिए यहां पर आप अपने घर पर हैं और आप कम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंटरनेट से जब कनेक्ट होंगे तो आपको मिलेगा एक पब्लिक एड्रेस पब्लिक आई पी समझ आया आपको डिफरेंस क्या है प्राइवेट आई पी इसको ग्लोबली हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये प्राइवेट है अपना घर है अपना ऑर्गेनाइजेशन है अपनी कंपनी है वहीं पे यूज होते हैं तो प्राइवेट आईपी अगर आपका जो ये जो मैंने आपको रेंज दिया है इस रेंज में है और ये नंबर आपने दिया है तो पैकेट कभी भी आपका नेटवर्क छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे या सीधी सी बात कहें इंटरनेट या इंटर नेटवर्क पर नहीं जाएंगे ओके यानी अगर आपका ये पूरा एक अपना नेटवर्क बना हुआ है तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा आपके कंप्यूटर को एक आईपी देगा इसी रेंज में दूसरे को भी इसी रेंज में देगा तीसरे को भी इसी रेंज जैसे ये रेंज पकड़ लिया आपने तो यहां से देगा टेन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन इसको दे दिया फिर टेन पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो टू इसको दे दिया ऐसे करके ठीक है जी तो ये पूरा ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक या दो कंप्यूटर होते हैं हजारों कंप्यूटर होते हैं लाखों कंप्यूटर होते हैं तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इस बात का ख्याल रखता है कि वो ये प्राइवेट आई देगा वो आपको पब्लिक आई नहीं देगा जैसे आपके आप क्या कर सकते हैं जैसे फाइल सर्वर्स हैं फाइल तो यहाँ से यहाँ जाएगी इंटरनेट पर जाने की जरूरत ही नहीं है प्रिंटर है आपको प्रिंट करना है तब आप प्रिंटर अच्छा प्रिंटर में भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसको भी आपको नंबर देना है तो बगैर इंटरनेट की कनेक्टिविटी के अगर आप नंबर देना चाहते हैं एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर तो आप केवल प्राइवेट एड्रेसेस देंगे अब आपका सवाल उठता है कि मैं अगर आ, मेरे पास एक प्राइवेट आईपी है और मैं इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता हूं यानी कि तब क्या होगा तो मैं अगर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहता हूं तो जो प्राइवेट आई है वो पब्लिक आई में आई में कन्वर्ट होना पड़ेगा इसको पब्लिक आई में ठीक है जी एक एग्जाम्पल देता हूँ आपका ये है आपका यहां पर मोबाइल दिख रहा है टैबलेट है कंप्यूटर है लैपटॉप है जो भी आपको दिख रहे हैं है ना जब ये 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 सारे के सारे जो है आपके देखिए इस रेंज में पड़ रहे हैं है ना इसका मतलब ये प्राइवेट आईपी है अब इनको कनेक्ट होना है ग्लोबली तब ये क्या होगा यहां पर काम होगा नेटवर्क एड्रेस एड्रेस ट्रांसलेशन का नेट तो क्या करेंगे नेट नेट का काम यही होता है कि जो आपकी प्राइवेट आईपी है इसको वो कन्वर्ट कर देते हैं एक पब्लिक आईपी अब देखिए ये जो आप देखिए वो कहीं भी इस रेंज में नहीं है इस रेंज में दिखाई नहीं दे रहा आपको क्योंकि ये जो है वो पब्लिक आईपी है तो आप समझ गए प्राइवेट एड्रेसेस ये ऑलरेडी फिक्सड है नोन है वट आर मल्टीकास्ट एड्रेसेज इन आईपी विफोर वॉट इज मल्टीकास्टिंग देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि जो आई पी वी फोर एड्रिंग स्कीम है वो 32 बिट की एड्रेसिंग स्कीम होती है ये डॉटेड डेसिमल होती है यानी कि चार आपके ऐसे ऑक्टेट होंगे यानी आठ बिट और मिनिमम हो सकता है जीरो जीरो ज़ीरो जीरो 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 मैक्सिमम होता हो सकता है वन 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 मिनिमम मतलब जीरो हो सकता है मैक्सिमम टू फिफ्टी फाइव हो सकता है हर एक ऑक्टेट में ओके okay? अब क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या होता है कि हर एक क्लास की कुछ कुछ ना कुछ वैल्यू है या उसके बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है तो क्लासफुल एड्रेसिंग में जो क्लास ए बी सी इन किसके बाद क्लास डी आती है क्लास डी जो एड्रेसिंग है वो होती है मल्टीकास्टिंग के लिए केवल इस्तेमाल क्लास ई e जो है वो रिजर्व है आगे के एक्सपेरिमेंट के लिए आगे के रिसर्च के लिए तो क्लास डी को आपको ध्यान रखना है कि क्लास डी जो है वो मल्टीकास्टिंग एड्रेस है अब इसको देखें वन से लेकर वन ट्वेंटी सेवन तक ये आपका वन ट्वेंटी सेवन वन ट्वेंटी सेवन से लेकर आपका हो गया Uh, वन या वन तक फिर वन से लेकर आपका हो गया वैसे तो इसको मैं 126 ट्वेंटी करूँ तो ज़्यादा अच्छा है लेकिन एक अंदाज़ा दे रहा हूँ आपको 192 से 223 तक फिर 224 के आगे आप जैसे ही आएंगे देखिए ए हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया ये डी हो गया तो 244.0.0.0 ये स्टार्टिंग हो गया डी का तो मैंने क्या कहा डी जो है एड्रेसिंग को मल्टी कास्टिंग के लिए यूज होती है तो अगर आप देखें ये 224 ये कौन सा हो गया क्लास डी हो गया पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो और ये स्लैश फोर सी आई डी आर फॉर्मेट है ये मल्टी कास्ट एड्रेस है तो कितने पॉसिबल हो गए आपने ये देखिए ये वाले ये तो फिक्स कर दिए चार तो ये चार अगर आपने फिक्स कर दिए मतलब चार इसका मतलब ये है हो गया कि क्लासफुल एड्रेसिंग में जो पहले लेफ्ट से शुरू करेंगे तो जो बिट बिट आपने एक दो तीन चार वो फिक्स किए उनके बारे में चार बात हो रही है तो अगर चार फिक्स कर दिए इसका मतलब नेटवर्क के लिए आपने चार फिक्स कर दिए तो होस्ट के लिए कितने बचे आप थर्टी में से चार माइनस करिए पहले आ गए आपके अट्ठाइस तो होस्ट कितने बन सकते हैं दो की घात ट्वेंटी यानी कि टू की घाट ट्वेंटी वो कितने हो गए इतने नंबर हो गए तो इतने नंबर आप आप मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं मल्टी कास्ट एड्रेस कहां से शुरू हो रहा है टू ट्वेंटी फोर डॉट मैं ऐसे बताता हूं टू ट्वेंटी फोर डॉट जीरो आपको एड्रेसिंग रेंज याद रखनी है मल्टीकास्ट या मल्टीकास्टिंग के लिए तो मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है देखिए आपको शादी का कार्ड देना है यहां पर एक बंदा ये है एक ये है एक ये है एक ये है आप शादी का कार्ड केवल इसको और इसको देना चाहते इन दोनों को नहीं देना चाहते तो बेसिकली आप मल्टी कास्टिंग कर रहे हैं आप केवल इन दोनों को शादी का कार्ड या किसी इन्विटेशन कार्ड देना चाहते इन दोनों को नहीं देना चाहते इसी को हम मल्टी कास्टिंग कहते हैं तो मतलब ये जो आपका एक ग्रुप है ना यहाँ ये वाला जो एक ग्रुप है आपका जिसको आप देना चाहते हैं तो पैकेट जो आप भेजेंगे मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज करके वो आपको एक ग्रुप जो है उसको मिलेगा ना ना कि सबको मिलेगा और ना ही एक को मिलेगा यानी यूनिकास्टिंग नहीं होगी और ब्रॉडकास्टिंग नहीं होगी ठीक है केवल मल्टीकास्टिंग होगी यानी कि बहुत सारों में से कुछ को मिलेगा तो मल्टीकास्ट आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल्स इसको हम क्यों यूज करते हैं ताकि हम ऑडियो भेज सकें वीडियो भेज सकें और सत, तमाम तरीके की चीजें भेज सकें लेकिन यह केवल जाएगा मल्टीपल रेसिपिएंट को यानी कि के केवल जो बहुत सारे मल्टीपल लोग हैं उनमें से केवल कुछ कुछ लोगों को जाएगा ये ठीक है तो एक कॉपी आप कुछ लोगों को या कुछ रेसिपिएंट को अगर आपको भेजना है तो उसके लिए आप मल्टीकास्ट या मल्टीकास्टिंग का यूज करेंगे ध्यान रहेगा आपको मैंने जहाँ ऑडियो वीडियो की बात कर दी आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए कि जब ये ऑडियो वीडियो की बात होती है तो हम यू की बात कर रहे हैं यूजर डेटा अगर प्रोटोकॉल तो मल्टी कास्टिंग एक यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है थोड़ा सा मैं आपको एक चित्र से समझा दूं कि भाई ये काम हो क्या रहा है देखिए राउटर ए ने या फिर किसी होस्ट ने आपको कुछ भेजा कंटेंट को या राउटर से कुछ कंटेंट आया वो कहाँ जा रहा है वो केवल इनके पास जा रहा है और केवल इनके पास जा रहा है ना इनके पास जा रहा है ना इनके पास जा रहा है ठीक है जी तो यहां पर एक मल्टी हो रही है भेज भेजा यहाँ पर जा रहा है लेकिन मिलेगा केवल उनको जिस जो मल्टीकास्ट के ग्रुप में होंगे तो ये और ये मल्टीकास्ट के ग्रुप में है तो इन दोनों को मिल जाएगा इन दोनों को नहीं मिलेगा इसे हम मल्टीकास्ट एड्रेस समझ रहे हैं हम इसको और मल्टीकास्टिंग भी आप इसको समझ रहे हैं तो ये स्पेशल ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस जो ऑलरेडी फिक्स्ड है और आईपी आईपीवी फॉर एड्रेसिंग में यूज होते हैं धन्यवाद शुक्रिया